अब जैसा आपको पहले बताया कि ज्यादातर घरों में मान्यताओं के अनुसार अष्टमी तिथि पर कन्याओं को भोजन कराया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, इसका महत्व क्या है और इसके नियम क्या हैं? देखिए, अगर हम हिंदू परंपरा की बात करें, हिंदू शास्त्रों की बात करें, तो नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है कि आप व्रत रख लिए, आप उपवास कर लिए, नवरात्रि पूरी हो गई। ये नारी शक्ति के और कन्याओं के सम्मान का पर्व भी है। यानी अगर आप नारियों का, स्त्रियों का सम्मान करते हैं, बालिकाओं का सम्मान करते हैं, तभी नवरात्रि आपके लिए फलदायी है। अब चूंकि कन्याओं का, स्त्रियों का सम्मान होता है, इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को पूजने और भोजन कराने की परंपरा पाई जाती है। शास्त्र कहता है कि नवरात्रि के हर दिन, 9 दिन में रोज कन्या पूजन होना चाहिए। वास्तविकता तो यही है, लेकिन नियम यह भी कहता है कि अगर आप रोज ना भी कर पाए तो अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन जरूर करें। 2 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की कन्या के पूजा का विधान बताया गया है। 2 साल से लेकर के 11 साल तक की कन्या का पूजन किया जाएगा। अलग अलग उम्र की कन्या देवी के अलग अलग स्वरूप को बताती है। जैसे 2 वर्ष की कन्या, 3 वर्ष की कन्या, गौरी, सुभद्रा, अलग अलग नाम हैं उनके और अलग अलग तरीके से उनकी पूजा होती है। तो मुख्यतः होता क्या है कि कन्याओं को आदर सहित अपने घर पर बुलाया जाता है, उनको एक ऊंचे आसन पर बैठाते हैं, उनके चरण जल से धुलाते हैं, इसके बाद उनकी पूजा करते हैं, फिर उन्हें सात्विक भोजन ग्रहण करवाते हैं, उसके बाद उनको दक्षिणा और उपहार दे करके उनके चरण छू करके आशीर्वाद लेते हैं। ये तरीका होता है कन्या पूजन का। लेकिन जैसा आपको पहले बताया कि कन्या पूजन लोग अपने परिवार की परंपरा के हिसाब से करते हैं, अष्टमी तिथि पर भी करते हैं और बहुत सारे लोग नवमी तिथि पर भी करते हैं। अष्टमी तिथि माता गौरी की तिथि है और माता गौरी की 2 तरह से पूजा होगी। पहले भी आपको बताया, फिर से बता दें, अगर सामान्य मंत्र आपको माता गौरी का जपना है, उनकी सामान्य पूजा करनी है, तो उनका सरल मंत्र है ओम ह्रीं गौर्ये नमः, ओम ह्रीं गौर्ये नमः। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। और अगर आप बालिका हैं, आप अपने शीघ्र विवाह के लिए प्रयत्न करना चाहती हैं, तो आप मंत्र पढ़ेंगी हे गौरी शंकर अर्धांगी, यथा त्वाम शंकर प्रिया, तथा माम कुरु कल्याणी, कांत कांता सुदुर्लभाम। ये मंत्र अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि को आप जप करिएगा और मंत्र का जप करिएगा रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से। तो जिन कन्याओं का, जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, वो नवरात्रि में किसी भी दिन पूजा ना भी कर पाई हो, तो अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि को माता गौरी की पूजा करें, उनका शीघ्र और सुखद विवाह जल्दी होगा।